नेशनल खबर सब पर नजर। योग भारतीय परंपरा है, ऋषि मुनियों की तरह से चलते आ रही है। तो एक साथ 25,000 लोग जानने लगे, पेपर में न्यूज़पेपर उपलब्धि मिली, नाम सम्मान रेस्पेक्ट मिला। टीचर हैं जो योग शिक्षक हैं और घर जाकर अच्छे से नहीं ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, तो उनको और अच्छी ट्रेनिंग की आवश्यकता थी। तो हमने योग में सारे ट्रेनिंग को जोड़ा, जिसमें बिहार योग विद्यालय मुंगेर की पद्धति आती है, अयंगर टेक्निक्स है, अयंगर जी के साथ जो बेल्ट्स है, ब्रिक्स है, जो योगा के नए इक्विपमेंट्स आधुनिकीकरण जो हुई है, सभी टीचर के बीच में पहचान मिली कि उसके बाद से हम योग के रूप में आ गए। जी हाँ, आप ये पूरा इंटरव्यू देखेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले हम आपको योग के बारे में कुछ अहम जानकारी दे देते हैं। योग आज भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में प्रख्यात हो रहा है। कारण, गंभीर रोगों से बचाव का बेहद आसान तरीका है योग। योग कोई नया नहीं है, हजारों वर्षों पूर्व से ही हमारे ऋषि मुनि योग किया करते थे। लेकिन अब योग बहुत आधुनिक हो गया है। आम से लेकर खास तक आज सभी लोग योग करते हैं। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी योग को विश्व में प्रख्यात बनाने में जुटे हैं। योग आज शरीर और दिमाग को फिट रखने के साथ साथ ये एक बहुत ही तेजी के साथ उभरता हुआ करियर भी है। आज युवा डॉक्टर इंजीनियर बनने के साथ साथ योगा टीचर भी बनकर अपना भविष्य संवारने चाहते हैं। योग के बढ़ते कद और ऊंचाइयों पर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है दिल्ली के जाने माने योगाचार्य श्री अभिषेक भारती ने। योगाचार्य श्री अभिषेक भारती आरोग्य योग शाला के संस्थापक भी हैं। योगाचार्य श्री अभिषेक भारती ने महज 4 वर्षों में आरोग्य योग शाला को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। भारत के 7 बड़े शहरों के साथ साथ विदेशों में भी आरोग्य योग शाला का संचालन हो रहा है। जहां सैकड़ों छात्र योग की ट्रेनिंग लेकर लोगों को योग करा रहे हैं, साथ ही एक प्रतिष्ठित योगा टीचर बनकर धन और प्रतिष्ठा दोनों कमा रहे हैं। नेशनल खबर की संवाददाता सुरभि तिवारी ने इन्हीं सभी मुद्दों पर योगाचार्य श्री अभिषेक भारती से खास बातचीत की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल खबर के हेल्थ सेगमेंट में। आपके साथ मैं हूं सुरभि। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली NCR के आरोग्य योगशाला में। यहां पर हम बात करेंगे अभिषेक भारती जी से, जो कि इस आरोग्य योगशाला के कर्ता धर्ता होने के साथ साथ योगाचार्य भी है, और हम जानेंगे उनसे तमाम टिप्स कि योग हमारे सेहत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम आपको अभिषेक भारती जी के बारे में सबसे खास बात बता दें कि इन्होंने 4 साल में ये मुकाम हासिल किया है, जिन्होंने धनबाद से अपने सफ़र की शुरुआत की और दिल्ली में अपने क्लासेस खोले, यहाँ तक कि इंडोनेशिया में भी इनके क्लासेस चल रहे हैं इस वक्त। तो हम सीधे चलते हैं अभिषेक भारती जी के पास और बात करते हैं और जानते हैं उनके क्लासेस के बारे में। इस वक्त हम दिल्ली के आरोग्य योगशाला में मौजूद है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है योगाचार्य अभिषेक भारती जी, जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि योग आरोग्य शाला की स्थापना करने की आपने सोची कैसे?
जी, आरोग्य योगशाला की हमने स्थापना की नहीं, ये हो गई। प्रथम योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जब मैं धनबाद में था, तो वहाँ योग टीचर के रूप में, सहयोगी के रूप में हमें कार्य करने का मौका मिला। और 5000 लोग जब एक साथ योग किए, पूरे झारखंड के सबसे बड़े स्थान धनबाद में किया गया था, तो उस दौरान इतना नाम और प्रसिद्धि हमें मिली, सभी टीचर के बीच में पहचान मिली, कि उसके बाद से हम योग के रूप में आ गए और योग सीखना फिर हमने शुरू कर दिया। जो बचपन में रिखिया आश्रम मुंगेर के बिहार स्कूल ऑफ योगा के पद्धति से जो हमने सीखा था, जल नैति कुंजल, ये सब अपने अस्थमा साइनस को ठीक करने के लिए, फिर हम योग के कोर्स को करना शुरू किए। और योग के कोर्स के दौरान ही हमें हो गया कि योगा सेंटर शुरू करना था। सर, जैसा कि आपने अभी बताया हमारे व्यूवर्स को कि आपने भी पहले योग के कोर्सेज किए हुए, तो सर इस बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए कि आपने वो कोर्सेज कहाँ से किए। मैंने पहली बार योग का कोर्स पतंजलि में किया, जो धनबाद में सहयोग शिक्षक लगते थे, जहाँ कोर्स के रूप में सीखा गया। फिर आश्रम लाइफस्टाइल कोर्स होता है, आश्रम में जाना, रहना, खाना पीना, और जो एक पारंपरिक शिक्षा है, तो वो रिखिया पीठ बिहार योग विद्यालय के स्थान पे किया। उसके बाद दिल्ली आया, फिर हमें पता चला कि योग में योगा टीचर ट्रेनिंग होती है, डिप्लोमा होता है, बीए होता है, एमए होता है, फिर हम उस रूप में बढ़े। तब तक मेरी एमबीए हो चुकी थी, मास्टर्स कंप्लीट हो गया था, फिर हमने दोबारा योग में एमए करने का सोचा और एडमिशन लिया उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में। जी सर, आप योग पर ही लेकिन इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो लोग जिम वगैरह भी ज्वाइन करते, तो आपने योग ही क्यों चुना। मैम, योग भारतीय परंपरा है, ऋषि मुनियों की तरह से चलते आ रही है, और योग ने मुझे मेरे लाइफ में, जहां मैं धनबाद में अपने 22 वर्ष बिता लिए और लोग नहीं जानते थे, एक योग ही आया, योग दिवस मना, तो एक साथ 25,000 लोग जानने लगे, पेपर में, न्यूज़पेपर, उपलब्धि मिली, नाम सम्मान रेस्पेक्ट मिला, तब मैंने योग को चुन लिया। और हमें सम्मान के रूप में एक योग केंद्र मिल गया धनबाद रेलवे की तरफ से, जो ECR रेलवे है धनबाद डिवीज़न, तो उन्होंने एक योग केंद्र खोला और वहाँ हमें और हमारे एक साथी योग शिक्षक को अपॉइंट किया कि आप दोनों सिखाएं। तब जो ये आरोग्य योगशाला का नाम रखा गया, तब से ये कंटिन्यू हम देश के 7 राज्यों में आज के डेट में कहीं छोटे बड़े सेंटर्स रन कर रहे हैं। सर, आरोग्य योगशाला के बारे में ही मैं थोड़ा बहुत और आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर क्या आप सर्टिफाइड कोर्सेज करवाते हैं, और ये कितने वक्त के कोर्सेज होते हैं, इसके बारे में ज़रा हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए। हाँ, जब मैं एमए कर रहा था तो देहरादून में मैंने देखा कि योगा एलियंस 200 आवर कोर्स कराई जाती है, बहुत से विदेशी वहाँ कर रहे थे, उस वक्त हमने भी एक महीने का कोर्स को ज्वाइन किया। और उस दौरान 200 घंटे, 500 घंटे इन कोर्स को हर बार जब भी हम वहाँ पे रहे, तो इस दौरान हमने किया, और मैं देखा कि लोग अगर सही से सीखें तो 1 से 6 महीने प्रैक्टिस करके बेसिक योगा जान सकते हैं। और उसी योग के ट्रेनिंग को हम दिल्ली में करना शुरू किए, और हमने एक छोटा सा सेंटर खोला आरोग्य योगशाला का यहाँ भी। फिर हमारे पास लोग नहीं आ पा रहे थे, जिनको बहुत कष्ट थी और वो चाहते थे कि हम सब जगह से थक हार गए हैं तो हम योग में सीखें, घर पे शिक्षक जाएं। तो जब घर पे जाना शुरू किया, फिर हम देखे कि बहुत से ऐसे टीचर हैं जो योग शिक्षक हैं और घर जाकर अच्छे से नहीं ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, तो उनको और अच्छी ट्रेनिंग की आवश्यकता थी, तो हमने योग में सारे ट्रेनिंग को जोड़ा, बिहार, जिसमें बिहार योग विद्यालय मुंगेर की पद्धति आती है, अयंगर टेक्निक्स है, अयंगर जी के साथ जो बेल्ट्स है, ब्रिक्स है, जो योगा के नए इक्विपमेंट्स, आधुनिकीकरण जो हुई है, वो सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई, और उसे जोड़ के जो हम कर सकते थे उसे हमने आरोग्य योगशाला में जोड़ा। साथ ही योगा एलियंस, जो USA एक एक्रेडिट सर्टिफिकेट देती है, उनके यहाँ भी अपने सेंटर को रजिस्टर किया और इस कोर्स को हमने दिल्ली में शुरू कर दिया। अभिषेक जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से दिल्ली NCR में तमाम योगा के क्लासेस चलते हैं, तो आपके योगा क्लासेस किस तरीके से उनसे अलग है, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा को निभाया जाता है, जैसा कि पतंजलि योग सूत्र, हठ योग प्रदीपिका, गिरण संहिता में बताया गया है, हम उसमें कुछ मॉडिफाई नहीं करते हैं, उसी परंपरा पे चलते हैं, और सारे क्यूमुलेटिव टेक्निक्स से हम योगा सिखाते हैं। जो भी जहाँ भी चलता है, हम उसे एक साथ सभी चीज़ों को एक लय में मिला करके अपने सेंटर में सिखाते हैं, और जो भी टेक्निक्स
चीज़ें अपडेट होती है, हम अपने पुराने बच्चों को भी बुलाकर शनिवार रविवार या जब छुट्टी का समय होता है उनके समय अनुसार जो हमारी टाइम खाली रहती है उसमें प्रैक्टिस करते हैं और करवाते हैं। सर, मैं आपसे अब आखिरी प्रश्न मेरा आपसे यही है कि क्या इसके बाद आप और भी जगहों पर अपनी ये योगा क्लासेस खोलना चाह रहे हैं या आपने खोल रखी हैं? हाँ नहीं, अभी अभी हमारा इंडोनेशिया में भी सेंटर हमारी स्टार्ट हुई है। जो हमारे लीड ट्रेनर थे मास्टर, उन्होंने अभी जकार्ता में हमारा एक सेंटर स्टार्ट किया है जहाँ हम योगा टीचर ट्रेनिंग करवाना शुरू करने वाले हैं। साथ ही अहमदाबाद में हमारा सेंटर जो अभी चल रहा था वहाँ भी अब योग टीचर ट्रेनिंग शुरू हो गई है। जयपुर में पूरे देश का जो हमारा सबसे अच्छा और बढ़िया सेंटर है वो जयपुर में एक एक महीने में 20-20 बच्चे ट्रेंड होते हैं और उनको जॉब प्लेसमेंट की गारंटी होती है। सर, यहाँ पर क्या हम इस वक्त कुछ चीज़ें आप हमें दिखा सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेनिंग चल रही है या कुछ? हाँ, यहाँ हम आपको श्री पट्टा विजोईस जी का स्टांग विन्यासा जो हम कराते हैं, अयंगर जी के जो रोप्स और टेक्निक्स ब्रिक्स हैं वो हम बताते हैं, साथ में जो योग निद्रा है स्वामी निरंजन जी का, स्वामी सत्यानंद जी के बिहार स्कूल पद्धति पे चलती है वो हम आपको दिखाते हैं, आइए। तो अभी हमने बात की योग आचार्य अभिषेक भारती जी से, जिन्होंने अपना सफ़र धनबाद से शुरू किया था और अब वो दिल्ली तक पहुँच गए हैं। इन 4 सालों में किस तरीके से आरोग्य योगशाला को बड़ा बनाया है इस बारे में भी हमने उनसे जाना बात करके। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं, यहाँ पर इस वक्त ट्रेनिंग चल रही है तो आपको हम उसी कुछ झलक दिखाते हैं। तो सुना आपने, अगर आप योग के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आरोग्य योगशाला से बेहतर कोई नहीं है। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि दिल्ली के टॉप 3 योगा ट्रेनिंग सेंटर में से एक है आरोग्य योगशाला। आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप द्वारा संपर्क भी कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। नेशनल खबर आपके सवालों का जवाब आरोग्य योगशाला से जरूर पूछेगा। नेशनल खबर के रिपोर्टर दिल्ली। नेशनल खबर, सब पर नजर।